यहाँ हम सभी लोग मिलके रहते हैं, भाईचारा है हम लोगों में। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति पूरे करहल में किसी को दिखाई दे, कृपया पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को जरूर बताएं। हम सब लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग घरों में हैं और उनके जो एक डाउनफॉल आ रहा था उनके मन में, वो मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो कि एक तरह से दीपावली मनवा दी, और हमारे करहल में तो लोगों ने बड़ा उल्लास से मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 अप्रैल है कहा था, सभी को देश के नाम संबोधन दिया था कि 5 तारीख 9 बजे से 9 मिनट तक सभी लोग बल्ब बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, और उनका अनुरोध पूरी तौर पर पालन किया गया लोगों ने। और आप देख रहे हैं लोग बाग लोगों घर में दिए जल रहे हैं और आतिशबाजी चल रही है बराबर, और देखिए ये लोग खड़े हुए हैं आपके सामने, ये भी दिए जला रहे हैं और आतिशबाजी भी चला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर पूरी करहल की जनता ने एक बार पुनः दीपावली मनाई और ऐसा भाईचारे का मैसेज दिया है कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पूरी करहल की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, अपने घरों में रहो, लॉकडाउन का पालन करो। यहाँ हम सभी लोग मिलके रहते हैं, भाईचारा है हम लोगों में। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति पूरे करहल में किसी को दिखाई दे, कृपया पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को जरूर बताएं। हम सब लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी है कि करहल हमारी कम से कम इस बीमारी से दूर रहे। बाकी करहल के प्रथम नागरिक पति होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि करहल को स्वच्छ रखें, सैनिटाइज करें। वो हमारा प्रयास निरंतर चालू है। हम फॉगिंग मशीन से, ट्रैक्टर से जो मैंने मैनुअल अभी बनवाया है, उससे सैनिटाइज पूरी करहल को कर रहे हैं और मैनुअल भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी प्रशासन पूरी तरह से लगा है, लेकिन करहल के जो कुछ लोग हैं वो नहीं मान रहे, बहुत ख़राब बात हो जाएगी। मेरा प्रशासन से भी निवेदन है, बहुत अनुरोध है कि मोह छोड़ के, कौन उनका है, दोस्त है, क्या है, वो सारी चीज़ें छोड़ के जो गलत लोग हैं उन्हें लठिया के जरूर बंद किया जाए और वो लोग घर में जरूर बैठे। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कार महोदय, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं, और मैं उन लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ जो इस थ्योरी को लेके एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये बात सत्य है कि दिया जलाने से कोरोना नहीं भाग जाएगा, लेकिन जो लोग घरों में हैं और उनके जो एक डाउनफॉल आ रहा था उनके मन में, वो मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो कि एक तरह से दीपावली मनवा दी, और हमारे करहल में तो लोगों ने बड़ा उल्लास से मनाया। इसलिए कोरोना के हमको लड़ना है, और सर्वोच्च दर्पण की टीम का भी ऐलान है कि सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना अपने पैर फंसा रहा है। इसलिए आप लोग सभी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नजमुल हसन के साथ नजमुल हसन की रिपोर्ट करल से।